हॉलीवुड स्टार चैडविक बॉसमैन का शुक्रवार को निधन हो गया। मार्वल स्टूडियो की फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य भूमिका निभाने वाले चैडविक 43 वर्ष के थे। पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक चैडविक के प्रतिनिधि ने एक्टर के निधन की पुष्टि की। चैडविक का निधन लॉस एंजलिस में उनके घर पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चैडविक के प्रतिनिधि ने बताया कि चैडविक की पत्नी और परिवार अंतिम समय में उनके साथ थे। वह कोलोन कैंसर से पीड़ित थे। सुपरस्टार एक्टर की मौत पर उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्हें एक सच्चा योद्धा बताया। बयान में कहा, एक सच्चे योद्धा चैडविक ने अपने संघर्ष के जरिए आप तक वो सारी फिल्में पहुंचाई जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया। परिवार ने बताया कि चैडविक ने पिछले 4 सालों से कई फिल्मों की शूटिंग की। ये सब उनकी कई सर्जरी और कीमोथेरेपी के बीच होती रहीं। परिवार ने कहा कि ब्लैक पैंथर फिल्म में सम्राट टी'चाला का किरदार निभाना उनके लिए सम्मान की बात थी। चैडविक ने अपने कैरियर में 42 और गेट ऑन अप जैसी फिल्मों से अपना नाम बनाया और फिर 2018 में आई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म ब्लैक पैंथर ने में टी'चाला यानी ब्लैक पैंथर का किरदार निभाकर वह दर्शकों के बीच हिट हो गई। इसके बाद वह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में फिर से ब्लैक पैंथर के किरदार में दिखे थे। उनकी आखिरी फिल्म द 5 ब्लड्स इसी साल रिलीज हुई थी।